सो फाइनली बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एनिमे अपडेट का खजाना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि बहुत सारे एनिमे का अपडेट आप लोगों को आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कुछ कुछ अपडेट सुन के ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल दुख से भर जाए, और कुछ कुछ अपडेट सुनने के बाद हो सकता है आपके दिल पूरा गार्डन गार्डन हो जाए। बाकी ये सब फालतू के बकवास को साइड में रखते हुए अपने मेन वीडियो की तरफ फोकस करते हैं। कोनिची वोटा को सिर्फ मी डार्क एंड आई आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ही हिंदी डब फैंस के दुख को महसूस करते हुए हम लोग बात करते हैं कुछ हिंदी डब एनिमे के बारे में। सबसे पहले स्पाइक्स फैमिली का सीजन 1 का पार्ट 2 अभी हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पे स्ट्रीम हो रहा है, एंड इसके साथ साथ भी तमिल एंड तेलुगु डब में भी स्ट्रीम हो रहा है। अभी आप लोग जाके इजीली अपने अपने लैंग्वेज में स्पाइक्स फैमिली के सीजन 1 के पार्ट 2 को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद द लेजेंडरी एनिमे डेथ नोट के हिंदी डब के बारे में हमें कुछ लीक सुनने को मिल चुका है, जो की है जी कैफे चैनल की तरफ से डेथ नोट का हिंदी डब पे काम चल रहा है, ये हम लोग को सुनने को मिला है। अब ये कितना परसेंट सच है कितना परसेंट झूठ वो तो पता नहीं है, जो की हम लोग को आने वाले दिन ही पता चलेगा। पुराना सीरीज जो की टीवी चैनल पे पहले आया करता था, जिसका भी नाम एंड पोस्टर्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते, क्योंकि बीच में टीवी चैनल पर आना बंद हो चुका था, एंड फाइनली अभी सोनी के तरफ से बहुत ही जल्द इस सीरीज को फिर से लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद पोकेमोन का भी एक मूवी जिसका नाम है द पावर ऑफ अस, जो कि रिलीजियंस डब में बहुत ही जल्द हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एसेसिनेशन क्लासरूम एनिमे तमिल एंड तेलुगु डब में अभी स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पे, तो आप लोग अगर तमिल एंड तेलुगु डब में पसंद करते हो तो जाके एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके बाद माय हीरो एकेडमिया के सीजन 4 के बारे में भी कुछ दुख भरी अपडेट है, जो कि आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आप लोग हमारे ये वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद वन पीस कोलैबोरेशन करने जा रहा है पुमा के साथ, एंड आप लोग पुमा के कुछ प्रोडक्ट्स के जो लुक्स है वो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन। अब इसके बाद नारुतो का भी लाइव एक्शन मूवी आने वाला है बहुत ही जल्द, देखते हैं कि वन पीस का लाइव एक्शन मूवी के साथ नारुतो का लाइव एक्शन मूवी टिक पाता है कि नहीं। इसके बाद गाइस हाइक्यू का मूवी ने डेमन स्लेयर के मूवी को भी सरपास कर दिया है बॉक्स ऑफिस में, जो की 990 मिलियन येन अर्न कर चुका है पहले ही दिन, एंड इसके साथ साथ भी ये मूवी बन चुका है 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग ओपनिंग डे इन जापान्स हिस्ट्री। एंड इसके साथ साथ गिंतामा एनिमे का भी मूवी अनाउंस्ड हो चुका है फाइनली, इसका रिलीज डेट तो अभी तक नहीं निकला है। स्पाइक्स फैमिली का भी मूवी व्हाइट जो है वो अभी रिलीज होने वाला है 19th of April को। इसके साथ साथ द बॉय एंड द हीरोइन का जो चीबी मूवी है वो अभी इंडियन थिएटर में बहुत ही जल्द आने वाला है। मेरे हिसाब से ये मूवी थिएटर में आना ही चाहिए, एंड आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद अभी वन पीस का भी कुछ फिल्म अभी नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके इजिली वॉच कर सकते हैं। इसके बाद डेमन स्लेयर मूवी द हाशिरा ट्रेन इंडियन थिएटर में आप लोगों को 23rd February को देखने को मिल जाएगा इंग्लिश एंड जैपनीज डब के साथ। इसके बाद इनविंसिबल एनिमे का भी सीजन 2 का पार्ट 2 March 24 में Amazon Prime के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। इसके साथ साथ भी एक न्यू एनिमे जिसका नाम है टोयोटा, जो कि अनाउंस्ड हो चुका है, स्टिल अभी तक इसका भी रिलीज डेट नहीं निकला है, निकलेगा तो बता दूंगा। इसके बाद हम लोग चलो बात कर लेते हैं अपने सोलो लेबलिंग एनिमे को लेकर। तो सोलो लेबलिंग एनिमे को लेकर मेरे पास बहुत सारे अपडेट है, जिनमें से कुछ बुरे अपडेट्स भी है और कुछ अच्छे अपडेट्स भी। जैसे कि अभी सोलो लेबलिंग का एपिसोड 7 अभी क्रंची रोल पे आ चुका है, तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखो तो देख सकते हो, और जो लोग ने ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं वो लोग अभी कमेंट में बता देना कि कैसा लगा आप लोग एपिसोड। इसके बाद नेक्स्ट वीक को आप लोगों को सोलो लेबलिंग का एपिसोड 8 देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 8 अभी डिले कर दिया गया है सोलो लेबलिंग एनिमे का, जिसका रीजन तो मुझे खुद नहीं पता, बट नेक्स्ट वीक आप लोगों को रिकैप एपिसोड देखने को मिलेगा सोलो लेबलिंग का। सोलो लेबलिंग का एपिसोड 8 अभी 24th February के जगह 2nd March को आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये तो सोलो लेबलिंग फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज है, अब मैं आप लोगों को दुखी करना नहीं चाहता हूँ, जिसके कारण चलो अभी हम लोग सोलो लेबलिंग फैंस के लिए एक अच्छा न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस हमें ऑफिशियल ये पता चल गया है कि ये जो साल है यानी कि 2024, ये साल सोलो लेबलिंग का ही होने वाला है। वेल, इस न्यूज को सुनने के बाद आप लोग कितना ज्यादा खुश हो मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, बट मैं तो यही बोलूंगा कि ये साल सोलो लेबलिंग का ही होना चाहिए। और अगर हमारे चैनल को आप लोग दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो ऊपर अभी स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा, तो सिंपली आप लोग QR कोड को स्कैन करके हमें जितना हो सके डोनेट कर सकते हो हमारे चैनल के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम टॉप पे भी हम लोग का UPI ID आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो उधर से भी आप लोग इजीली डोनेट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को एपेंड करते हैं, मिलते किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, thanks for supporting us, and sayonara।